हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको तिलकुटा बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि कल हम सबका सकट चौथ का व्रत है और उस पर हम तिल बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। ये मैंने आधा किलो तिल लिए हैं, आधा किलो देसी खांड लिया है, 250 ग्राम खोआ लिया है, थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं। और अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये एक कढ़ाई रखेंगे और हम सबसे पहले थोड़े से तिल को भून लेंगे। इसमें कुछ भी तेल घी कुछ नहीं डालना, सिर्फ खाली हम इसको भून लेंगे। ये हम 2 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे सिर्फ। देखो दोस्तों, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया, बस 2 से 4 मिनट के लिए भुनना है। अब हम इसको किसी बर्तन में प्लेट में निकाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको दरदरा पीसेंगे। अब हम ये थोड़ा सा खोए को भी भून लेंगे। ये हमारा भून कर तैयार हो गया है और अब हम इसको एक कटोरी में शिफ्ट कर लेंगे। ये ठंडा हो गया है और अब हम इसको पीस लेंगे। दोस्तों ये पीस कर हमारा तैयार हो गया और ऐसे ही हम पूरा पीस लेंगे। ये हमारा पीस कर सारा तैयार हो गया और इसको हमने इसमें निकाल लिया। अब इसी में हम काजू पीस लेंगे और ये बादाम भी। ये काजू बादाम भी पीस कर तैयार हो गए हैं और ये भी हम इसके तिल के ऊपर ही डाल देंगे। ये बादाम काजू और तिल हमने मिक्स कर लिए हैं, अब इसी में हम बूरा मिला लेंगे। अब हम इसको भी मिक्स कर देंगे। ये मिक्स अच्छे से कर लेना है दोस्तों, कि जिससे कि ये खांड की डलियाँ जो होती है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये इसमें हम अब खोया भी, इसमें खोया डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है दोस्तों। वैसे अगर कोई खोया नहीं डालना चाहता तो ना डाले, बादाम काजू से भी ये इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, और खोया डाल लेंगे तो और टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से हमारा ये मिक्स हो गया है। और आपने अगर तिल के लड्डू बनाने हैं तो आप आधा किलो तिल लिए हैं तो आधा किलो ही खोया डाल लीजिए और फिर उसके लड्डू बन जाएंगे, उसको लड्डू बोल सकते हैं। अब ये हमारा खिला खिला बना है, ये देखिए बिल्कुल खुला खुला और वो खाने में भी बहुत टेस्टी। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया ये हमारा तिल। ये देखिए इसको तिल कुटा बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए दोस्तों, कल हमारे व्रत के लिए ये तैयार हो गया तिलकुटा। और इसी तरह मैं आपके लिए और रेसिपी लाती रहूँगी और आप मेरे 350 सब्सक्राइब पूरे कराइए। थैंक यू।